हेलो दोस्तों, मैं अक्षय सुरवा से आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल कृषि फ्लाई पे। दोस्तों, आज मैं मैंगो की हाई डेंसिटी फार्मिंग से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ, और ये सवाल मेरे बहुत से व्यूवर्स ने मुझसे पूछा भी है। एंड फॉर माई ऑल इंग्लिश व्यूवर्स हु डोंट अंडरस्टैंड हिंदी लैंग्वेज, आई एम गिविंग इंग्लिश सब टाइटल्स सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द वीडियो कम्प्लीटली। इसलिए दोस्तों, मैंने डिसाइड किया है कि इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, और वो सवाल ये है कि मैंगो की हाई डेंसिटी फार्मिंग के लिए कौन सी वैरायटी सबसे बेस्ट है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको इस सवाल का जवाब अच्छे तरीके से दे पाऊँ। तो दोस्तों, उसका सिंपल जवाब यही है कि आप मैंगो की हाई डेंसिटी फार्मिंग किसी भी वैरायटी पर कर सकते हैं। यस, आपने सही सुना, आप हाई डेंसिटी फार्मिंग किसी भी वैरायटी पर कर सकते हैं। लेकिन मैंगो की हाई डेंसिटी फार्मिंग करने से पहले या फिर वैरायटी सिलेक्ट करने से पहले आपको कुछ पॉइंट्स कंसीडर करने पड़ेंगे, और वो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको अगर आपने मिस किया तो आपको फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो पॉइंट्स मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ। क्लाइमेट, आम की वैरायटी सिलेक्ट करने से पहले आपको ये देखना है कि आपके इधर कैसा क्लाइमेट रहता है, और वो क्लाइमेट कौन सी मैंगो वैरायटी को ज़्यादा सपोर्ट करता है। मैंगो में बहुत सी वैरायटीज़ है, पर आपको आपके क्लाइमेट के हिसाब से वैरायटी का सिलेक्शन करना है। इंडिया में मैंगो की बहुत सी वैरायटीज़ लगाई जाती है, जैसे कि एल्फेंजोस, बादामी, चौसा, लंगरा, नीलम, आम्रपली, मालदा, केसर, दशहरी एक्सेट्रा। ये वैरायटीज़ इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में लगाई जाती है, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट उस वैरायटी को सपोर्ट करता है। दशहरी ज़्यादा करके इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट्स में लगाया जाता है। लंगरा उत्तर प्रदेश में ज़्यादा लगाया जाता है। नीलम आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और तमिलनाडु में लगाया जाता है। अगर मैं सिर्फ महाराष्ट्र की बात करूँ तो यहाँ भी अलग अलग सिटी में अलग अलग वैरायटी लगाई जाती है। एल्फेंजो मतलब के हापुस ज़्यादा करके रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, देवगढ़ और रायगढ़ में लगाया जाता है। ये आम सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध, महंगा और बाहर देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। वैसे ही महाराष्ट्र की दूसरी सिटी सोलापुर, जहाँ पे मेरा फार्म है, वहाँ केसर वैरायटी ज़्यादा करके लगाई जाती है, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट केसर आम के लिए ज़्यादा अच्छा है। अगर मैं हापुस मेरे फार्म में लगाता तो ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं आता, क्योंकि हमारे इधर का क्लाइमेट हापुस के लिए अच्छा नहीं है। आप आपके स्टेट में कौन सी वैरायटी ज़्यादा अच्छी तरीके से आती है पहले ये चेक कीजिए। इसके लिए आप गवर्नमेंट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जाके जानकारी ले सकते हैं, या अगर किसी का आम का बगीचा है तो उससे जाके मिलिए और जानकारी जुटाइए। आप अपने आसपास के नर्सरी में भी ये जानकारी पा सकते हैं। मैंने भी इसी तरीके से जानकारी ली थी, और उसके बाद केसर वैरायटी का चयन किया था, और फिर हाई डेंसिटी प्लांटेशन की थी। दोस्तों, मैंगो की वैरायटी बहुत ध्यान से सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि इसी पर आप अपना पैसा लगाने वाले हैं। अगर वैरायटी सिलेक्शन में गलती हो गई तो समझे आपका पैसा डूब गया। सेकेंड पॉइंट, डिमांड ऑफ मैंगो वैरायटी इन लोकल एंड इंटरनेशनल मार्केट। दोस्तों, मैंगो की वैरायटी सिलेक्ट करने के बाद ये देखिए कि उस वैरायटी की डिमांड लोकल और इंटरनेशनल मार्केट में है या नहीं। वो आम लोकल मार्केट में किस दाम में बिकता है और इंटरनेशनल मार्केट में किस दाम में बिकता है, क्योंकि ये ही डिसाइड करेगा आपका प्रॉफिट और लॉस। अगर आपके आम की डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में भी है तो आप उसे एक्सपोर्ट करके दुगने दाम में बेच सकते हैं। अपने लोकल मार्केट में जाके चेक कीजिए कि आपके आम की वैरायटी किस दाम में बिक रही है। अगर किसी का आम का बगीचा है तो उनसे जाके मिलिए, जानकारी लीजिए, क्योंकि यही वो लोग हैं जो आपको आम से जुड़ी सारी जानकारी दे सकते हैं। इतनी मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। थर्ड पॉइंट, सिलेक्शन ऑफ टाइप ऑफ सॉइल। दोस्तों, अब हमें ये देखना है कि जहाँ हम आम के पौधे लगाने वाले हैं वहाँ की मिट्टी कैसी है, क्या वो आम के पौधे के लिए अच्छी है। कुछ ज़मीनें ऐसी होती है जो आम की फसल को सपोर्ट नहीं करती है।
आप मैंगो के पेड़ लगाने से पहले मिट्टी की जांच करा ले, सॉइल टेस्टिंग। गवर्नमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स है जो सॉइल टेस्टिंग करके देते हैं, वो आपको बताएंगे कि क्या आपकी ज़मीन आम के पौधों के लिए अच्छी है या नहीं। कुछ प्राइवेट एजेंसीज भी है जो सॉइल टेस्टिंग करके देती है। अगर आपकी मिट्टी में कुछ तत्वों की कमी है तो उन्हें ऊपर से डाल दे पेड़ों को लगाने से पहले ही। आम का पेड़ ऐसा है जो किसी भी ज़मीन पर आ सकता है, बस कंडीशन ये है कि उस ज़मीन में पानी नहीं रुकना चाहिए। दोस्तों, आम के पेड़ों के लिए कैसी ज़मीन होनी चाहिए उसका वीडियो मैंने अलग से बनाया है, जिसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं। बस आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि काली ज़मीन जहाँ पर पानी ज़्यादा समय तक रुकता है, या फिर कोई भी ज़मीन जिसमें से पानी जल्दी नहीं जाता है, वहाँ पर आम के पौधे बिल्कुल भी मत लगाइए, वरना आपको बहुत लॉस लेना पड़ेगा। आपके पेड़ भी बहुत मरेंगे और मेंटेनेंस खर्चा भी बहुत होगा। आम के पेड़ों को ज़्यादा पानी नहीं लगता है, ज़मीन ऐसी होनी चाहिए जहाँ पानी ज़्यादा देर तक नहीं रुकता है। मैंगो प्लांट नर्सरी। दोस्तों, मैंगो वैरायटी, मैंगो की डिमांड और सॉइल सिलेक्शन की जानकारी लेने के बाद हमें ये डिसाइड करना है कि पौधे कहाँ से लेना है। आप किस नर्सरी से पौधे ले रहे हैं ये बहुत मायने रखता है। आप उसी नर्सरी से आम के पौधे लीजिए जहाँ पे अच्छे पौधे मिलते हैं। पौधे स्वस्थ हरे भरे होने चाहिए, उन्हें किसी प्रकार की बीमारी नहीं होनी चाहिए। आप गवर्नमेंट अप्रूव्ड नर्सरी से पौधे ले सकते हैं अगर उनके पास अच्छे पौधे हैं, नहीं तो आप प्राइवेट नर्सरी से भी ले सकते हैं। नर्सरी वालों से पूछिए कि वो अपने पौधे कैसे बनाते हैं, कैसे ग्राफ्टिंग करते हैं। दोस्तों, आम के पौधे के लिए कौन सा ग्राफ्टिंग मेथड अच्छा है उसका वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आम के पौधे की ग्राफ्टिंग कैसे की गई है ये जानना बहुत ज़रूरी है। ग्राफ्टिंग मेथड से हम पौधों की सेहत के बारे में बहुत जानकारी ले सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट, ड्रिप इरिगेशन फैसिलिटी। दोस्तों, अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको कौन सी वैरायटी लगानी है, तो इसके बाद आता है पेड़ों को पानी कैसे देना है। अगर आप हाई डेंसिटी फार्मिंग करने वाले हैं तो ड्रिप सिस्टम लगाना बहुत ज़रूरी है। हाई डेंसिटी फार्मिंग में बहुत पेड़ होते हैं, तो इतने पेड़ों को मैन्युअली पानी देना आसान नहीं होता है। पहले अपने फार्म में ड्रिप सिस्टम को लगवाएं और फिर इसके बाद ही आम के पेड़ लगाएं। सिक्स पॉइंट, चेक योर बजट। दोस्तों, अपने बजट के हिसाब से ही आम के पेड़ लगाइए। पेड़ों को लगाने के बाद आपको इनकी मेंटेनेंस भी करनी है। मेंटेनेंस में फर्टिलाइजर, लेबर, स्प्रे एक्सेट्रा बहुत चीज़ें आती है। ये सब करने के लिए आपके पास एक्स्ट्रा फंड होना ज़रूरी है। मैंगो फार्मिंग में वैसे तो ज़्यादा रिस्क नहीं होता है, बट आपको सब चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए। दोस्तों, कोई भी बिजनेस करने से पहले हमें उस बिजनेस के बारे में पूरी रिसर्च करनी चाहिए और उसके बाद ही डिसीजन लेना चाहिए। वैसे ही जब हम मैंगो की हाई डेंसिटी फार्मिंग करने जा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से हमें ये 6 पॉइंट्स को कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है। ये मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो दोस्तों, आप किसी भी मैंगो वेराइटी के साथ मैंगो की हाई डेंसिटी फार्मिंग कर सकते हैं, पर आपको ये 6 पॉइंट्स कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है। आई होप दोस्तों कि मैं इस वीडियो के ज़रिए आपके बहुत से सवालों का जवाब दे पाया हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि आप इस दी हुई जानकारी को इस्तेमाल करके मैंगो की हाई डेंसिटी फार्मिंग की तरफ बढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है और आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए मेरे से, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स अ लॉट, हैव अ ग्रेट डे।